नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फरुखाबाद पहुंचने वाले थे, तभी फरुखाबाद में मुख्य मार्ग पर किसान यूनियन डिकैत ग्रुप के मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा ने अपने साथियों के साथ किसानों की समस्या का ज्ञापन लेकर पहले से मौजूद थे। इसकी प्रशासन को भनक भी नहीं थी, लेकिन बाद में उसकी भनक लगते ही वहां पर पुलिस को लगा दिया गया। पुलिस ने इन लोगों को रेलवे क्रॉसिंग से आगे नहीं बढ़ने दिया। किसान यूनियन के लोग नारेबाजी कर विरोध करने लगे, तब तक डिप्टी सीएम का काफिला आगे निकल गया था। किसान यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष के ज्ञापन में किसानों की समस्याएं थी, किसानों को अभी तक पर्याप्त खाद न मिल पाना, बिजली की भारी कटौती, नाश्रित पशुओं की समस्या, अमृतपुर विधानसभा में बाढ़ की वजह से हर वर्ष होने वाली किसानों की समस्या, बाढ़ की वजह से पशुओं और फसलों को होने वाले नुकसान आदि लिखकर आए थे, लेकिन प्रशासन की शक्ति के चलते सीएम से मुलाकात नहीं हो सकी। जब इन लोगों से पूछा गया कि इन समस्याओं को जिले के जनप्रतिनिधियों से नहीं कह सकते, तो उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी से बात करने को कहा तो बताया खाद व बाढ़ की समस्या का समाधान सिर्फ अधिकारियों ने फाइलों में कर दिया है, मौके पर न खाद है न बिजली। इसके बाद डिप्टी सीएम का काफिला आवास विकास पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने बड़ी बड़ी भारी भरकम मालाओं से डिप्टी सीएम का स्वागत किया। जनपद में ये अधिकारी के घर में है, ये अधिकारी कागजों में है, खाद पर वहाँ पे जाओ तो अधिकारी के कागजों में है, लेकिन जिले में खाद है ही नहीं, मिली नहीं। यहाँ जो विधायक सांसद उससे बात नहीं की आपने? नहीं, सांसद क्या बात करें, विधायक बात करें, क्यों करें भाई? नहीं सुनते रहे लोग, हमने सुना है, बात रखी नहीं या सुना नहीं उन्होंने? नहीं सुना, क्यों सुने भाई? उनको तो तुम्हें सुन के भेज दिया, कैसे सुनेंगे वो? आपकी जब आएंगे तब से तभी तो आपको बात रखनी थी ना, जब आपने चुन के भेजा तो बात रखते। अरे नहीं सुन रहे भाई, क्या कह दिया कि आप देख लो खादी पहुंच रही है? डीएम से बात, डीएम से बात हुई, डीएम ने क्या कहा? डीएम ने भी कहा खादी में स्वास्थ्य में पहुंच रही है, खादी मुहैया है। कृषि अधिकारी से बात हुई परसों, उन्होंने कह दिया कि हाँ खाद मुहैया है, हमें खाद कहीं नहीं दिखाई पड़ रही। क्या मार क्यों रोक लिया आप लोगों? यहाँ रोक लिया है, सीएम का टाइम भी अभी आने का है। हाँ। तो यहाँ छहरी में मैं खड़ा हूँ, ये लोगों ने रोक लिया है कि सीएम से नहीं मिलने दिया जाएगा, लेकिन हमारे हैं सीएम को मिलेंगे, डिप्टी सीएम को अवश्य मिलेंगे, अब नहीं तो फिर रोड पे बैठ करके अगली रणनीति बनाएंगे, हम क्या करें? क्यों मिलना चाह रहे हो, क्या बात क्या है? ये कई समस्याएं हैं जनून किसानों की। क्या? जो चकबंदी की समस्या है, एक गली बंद कर रखी लोगों ने, बिजली की समस्या, 18 घंटे बिजली 5 घंटे देने के वक्त में कई 20 घंटे 18 घंटे नहीं दे रहे, 18 घंटे की मांग हमारी है, 18 घंटे दिए जाए, 8 घंटे बिजली दी जा रही, हमारा जानवर घूम रहे, ये समस्या है। घोषणा की खाद की समस्या है, खाद नहीं मिल रही है, आलू खाद की क्या दिक्कत आ रही है? अरे सब दिक्कत है, है ही नहीं खाद, विधेयक हो रही है, खाद को लेकर क्या दिक्कत आ रही है? विधेयक हो रही है, खाद ही नहीं है, कमी है, बहुत कमी है, नहीं है किसी भी गोदाम में खाद नहीं है, और अधिकारी लोग ये बता रहे हैं कि हर जगह खाद कहीं नहीं है, आप कहीं चल के 30 बोरी चाहिए तो 5 बोरी से कह रहे हैं, समझा रहे हैं 5 बोरी ले लो, 4 बोरी ले लो, पूरे जिले में खाद नहीं है। कहाँ से आप? हम रामवरण वर्मा, पूर्व प्रधान स्वरूप भारतीय किसान यूनियन मंडल प्रवक्ता। हमारे गंगा पार अमृतपुर तहसील पूरी बाढ़ से प्रभावित है, हर साल 4 महीने पानी भरा रहता है। अब पिछली साल भी किसानों का 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल का गेहूं पैदा हुआ, आलू की फसल बिल्कुल मारी गई। अब जो बाढ़ भरी जाएगी, 10 अक्टूबर से पक्की फसल का आलू करता है, आलू कच्ची का गड़ाई शुरू हो गई और मेरे यहाँ बाढ़ भरी हुई है। जब बाढ़ भरी रहेगी, जब बाढ़ भरी रहेगी तो कैसे आलू पैदा होगा, कैसे गेहूँ होगा, कैसे किसान जिएगा? संबंध में मिलना चाह रहे हो सीएम? हम हाँ डिप्टी सीएम साहब से मिलना चाह रहे, और मैंने मांग की कि 5 चाल घाट से अमृतपुर तक पत्थर का बंदा लगा दिया जाए, जिससे बाढ़ बंद हो जाएगी। तो पूरे तहसील के न तो मतलब इंसान तो अपना कहीं न कहीं से गुजारा कर ही लेता है,
लेकिन जानवर क्या खाएंगे। इस बार बाढ़ कंट्रोल करने के लिए कोई उपाय किए गए प्रशासन? कुछ नहीं, कोई प्रशासन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ इधर, तो कुछ हुआ ही नहीं।